हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुषमा, कुकबिश सुषमा में आपका स्वागत है। मैं आम की आज खट्टी मीठी चटनी बनाने वाली हूँ, जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आती है। चलिए करते हैं रेसिपी स्टार्ट, और ये आप महीनों स्टोर करके रख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैंने आम को अच्छे से रस धो के पोंछ के और उसे छील लिया है। अब हम इस कद्दूकस की सहायता से इसको पीस लेंगे। देखिए दोस्तों, मैंने इसे कद्दूकस कर लिया है, मैंने मिडिल वाली कद्दूकस से ही किस किया है। चलिए चटनी बनाना करते हैं स्टार्ट। देखिए फ्रेंड, मैंने कढ़ाई ले ली है और उसमें सारा कद्दूकस किया हुआ आम डाल दिया है। ये आम मैंने आधा किलो लिया है, जितना आम लेते हैं उतना ही गुड़ लेते हैं, और हम इससे इसको मिक्स कर देंगे। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए, 15-20 मिनट के लिए रख देंगे, क्योंकि अगर हम इसे डायरेक्ट पकाएंगे तो ये कड़क हो जाएगी। इसलिए थोड़ा हम इसको मिक्स करके 15-20 मिनट के लिए, 5-10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। मैंने गुड़ और आम को 15 मिनट के लिए छोड़ के रख दिया था। ये थोड़ा पिघल गया है और थोड़ा लिक्विड फॉर्म में आ गया है। अब हम गैस को करेंगे। कढ़ाई को रख देंगे गैस पे और फ्लेम को कर देंगे लो। और आप ये याद रखिए कि हमें इसे लो फ्लेम में ही पकाना है। पर आप अच्छा चटनी चाहते हैं तो इसको लो फ्लेम में ही पकाएं। और अब थोड़ा इसको मेल्ट होने देंगे और हम 10-15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम में ढककर छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, 15 मिनट हो चुके हैं और ये चटनी थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है। इसमें हम थोड़े मसाले डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची और आधा चम्मच नमक, और हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ये हमें इसे साल भर रखना रहता है, इसलिए इसे हम और अच्छा पका लेंगे और इसका थोड़ा सा गाढ़ापन और करेंगे, और थोड़ा 5-10 मिनट के लिए इसे थोड़ा और पका लेंगे, छोड़ देंगे। देखिए फ्रेंड, हमारी चटनी पक चुकी है और इसमें अभी और मसाले डालेंगे, और हम अब गैस को कर देंगे बंद और बनाते हैं मसाले। एक पैन या एक तवा ले लेंगे, उस पर अपने मसाले भूंजेंगे। पहले डालेंगे कलौंजी 1 टीस्पून, आधा टीस्पून मेथी, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 चम्मच अजवाइन। अब इसको धीमी आंच पे हम थोड़ा भून लेंगे। देखिए इसमें भूनने की आवाज आने लगी है, और ये अजवाइन और जीरा चिटकने लगे हैं। ये मसाले डालने से हमारी चटनी और भी टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाएगी। और जब भी ये मसाले डालें तो आप भूंज के ही डालें, कच्चे ना डालें, जिससे चटनी का टेस्ट अच्छा रहे और महीनों वो चले। देखिए ये थोड़ा थोड़ा चिटकने लगी है और भूनने लगी है ये, और हम गैस की फ्लेम को कर देंगे लो, और लो फ्लेम में इसको थोड़ा और भूंजेंगे। अभी थोड़ा भूनने लगी है, इससे खुशबू भी आने लगी है अलग की। और अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको और अच्छे से थोड़ा थोड़ा भून लेंगे।
ये थोड़ा सा मसाला है इसलिए हम इसे मिक्सी में नहीं पीसेंगे। इसको पीसने का तरीका मैं आपको बताती हूँ कैसे पीसते हैं। अगर आप इतने थोड़े मसाले को पीसना चाहते हैं तो आप कैसे पीसेंगे। एक चकला ले लेंगे, उस पे ये मसाले डाल के उस बेलन की सहायता से हम पीस लेंगे। देखिए फ्रेंड, मेरा मसाला पीस चुका है, अब इसे हम चटनी में डालेंगे। देखिए फ्रेंड, मेरा मसाला पीस चुका है और मैंने कटोरी में निकाल लिया है, अब इसे हम चटनी में डालेंगे और करेंगे मिक्स। ये चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, ये मसाला डालने से और ही स्वादिष्ट बढ़ जाता है और हम इसे महीनों रख सकते हैं स्टोर करके। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। बाय बाय।